उसके बाद फिर शाम का स्टे भी आज करेंगे हम। यहाँ से आ रही है गोमती नदी और वहाँ से आ रही है सरयू नदी। जय भोलेनाथ। एक और नए दिन की शुरुआत के साथ दोस्तों स्वागत है आप सभी का अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियों में। कल शाम आप लोगों ने देखा था दिव्येश्वरी माता मंदिर में मैं पहुंच गया था, तो कल शाम आपको दर्शन नहीं कराए थे, तो अभी सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत के साथ माता के दर्शन भी करते हैं और आप लोगों को भी कराते हैं। अभी मुझे पता चला है यहीं पास में दिव्येश्वर महादेव जी का भी टेंपल है और साइड से नदी भी बह रही है, फिर गोमती नदी। मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी वापस आ गए हैं, अब चलो फिर जाने की तैयारी करते हैं और सामान उठाते हैं, रोड की ओर चलते हैं। ये रहा सामान, अब जा करके सारा सामान लेकर मैं निकल पड़ा हूँ रोड की ओर। आज थोड़ा बहुत फिर से धूप निकल करके आ रही है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज कपड़े धो लूँ। तो अभी मैंने एक अंकल जी आए थे, उनसे मैंने जिक्र करा था यहाँ पे नदी के किनारे मैं कपड़े धो लूँ, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक तो है, पर लेकिन उन्होंने बोला मौसम आजकल ख़राब है, पता नहीं कब कहाँ से बारिश आ जाए। आप ऐसा करो मेरा घर पास में ही है, आप मेरे यहाँ चलो मैं आपके कपड़े वॉश करा देता हूँ। तो ये हैं अंकल जी, तो इनसे मिलाते हैं पहले। अंकल जी नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या हुआ? रमेश गिरी। अच्छा मैंने इस गांव का नाम नहीं बताया, इस गांव का नाम क्या है? ग्राम सभा मनोड़ा। मनोड़ा, तो अंकल जी का दिल देखो, अंकल जी से जैसे मैंने जिगर करा था कि नदी किनारे में कपड़े वॉश कर लूं, तो अंकल ने बोला कि मेरे यहाँ वॉश कर लो, तो मेरे तो कपड़े बहुत ही धोने हैं, 3-4 कपड़े धोने हैं कम से कम, हो जाएगा ना? महाराज जी भी यहाँ पे मिल गए, ठीक है महाराज जी मैं तो जा रहा हूँ फिर। बात करते करते अंकल जी के घर भी पहुंच गए हैं। ताला लगा यहाँ पे, आप ही रहते हैं? हाँ ऊपर गांव में रहते हैं ना। अच्छा बच्चे हैं। अच्छा अच्छा और सब लोग गांव में रहते हैं? गांव में रहते हैं, जिस लड़की के लिए बना रखा है वो पीएससी में है। अच्छा अच्छा चलो फिर कपड़े उतारते हैं यहाँ पे। वैसे तो मशीन में सूख गए हैं, फिर भी हमने छत में डाल दिए हैं, हल्की हल्की हवा लग रही है। अंकल जी के यहाँ अभी कपड़े धो करके थोड़ा बहुत सुखा भी लिए हैं फिर, और ज्यादा रास्ते में सुखाएंगे, अभी अंकल जी को कहीं जाना भी है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद। गेट भी बंद हो गया फिर। और यहाँ से बागनाथ कितना दूर होगा? 20-22 किलोमीटर होगा। अच्छा हिटो पे है, प्रणाम। बहुत ही काम हल्का कर दिया आपने मेरा आज, और ऊपर से धूप भी आ रही थी फिर बढ़िया ही हो गया। तो ये रही गाड़ी, सामान भी पैक हो गया है, चलो अब चलते हैं। अब मैं फिर से यहाँ पर रुक गया हूँ, यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ जितने भी मेरे कपड़े गीले हैं ना उनको यहाँ पर सुखाने के लिए डाल देता हूँ, थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट भी हो जाएगा और उसके बाद फिर बढ़ेंगे हम आगे को। कपड़े डाल भी दिए, ऐसे करके कपड़े सुखाने का नया अंदाज और नया तरीका। अब थोड़ी देर यहाँ पे मैं रेस्ट करूंगा और कपड़े सूख जाएंगे। दोस्तों सारे कपड़े सूख गए, पर मैं जींस को पहले शुरू में ही डालना भूल गया और इस चक्कर में मैंने जींस को ऐसे करके बांध दिया, फिर सारा सामान फिर से पैक हो गया और जब तक कपड़े सूख रहे थे तब तक मैंने सेविंग बना ली, फिर चलते चलते जल्दबाजी में कुछ इस तरह से। चलो अब चलते हैं आगे बागनाथ की ओर। चलते चलते मैं आपको बता दूं, जिन अंकल के यहाँ मैं रुका था ना उन्होंने अपने बच्चे की तरह रिएक्ट करा और कपड़े धोने में तक उन्होंने मेरी मदद की, तो बहुत अच्छा लगा यार। ऐसे लोग भी हैं यार, बताओ, ऐसे लोगों को सलाम है, दिल से प्रणाम है। और चलो अब हम चलते हैं यहाँ से बागेश्वर, 14 किलोमीटर की दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं है। दोस्तों हम बागेश्वर पहुंच गए हैं,
बागेश्वर नगरी में आपका स्वागत है, वेलकम टू बागेश्वर। थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि बागेश्वर की मार्केट को भी कवर करें आज ही, और देखो फिर कितना कवर होता है। सबसे पहले तो हमें बागनाथ में जाकर के दर्शन करने भी हैं, कराने भी हैं, और उसके बाद फिर देखेंगे क्या होता है। और अभी दो बार के लगभग बज रहे हैं, ढाई तीन बज रहा होगा लगभग, तो उसके बाद फिर शाम का स्टे भी आज करेंगे हम बागेश्वर में ही। हाय 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 हाय, पहाड़ी गाने लगे हैं कतई। वाओ, मार्केट बड़ा मस्त है, शांत एकदम, नैनीताल मल्लीताल का जैसा मार्केट लग रहा है यहाँ पर तो। यार अभी ऐसी फीलिंग आ रही कि नैनीताल में हूँ अभी, बड़ा मस्त लग रहा है। जय गैया माता की। एक मंदिर का गेट तो दिख रहा है आगे, अब देखो मंदिर है क्या है, मंदिर ही लग रहा मुझे तो। मार्केट को नीचे को जाता है आई थिंक, पता कर लेते हैं। भैया बागनाथ किधर है? अच्छा यही है ना रास्ता, बाइक चले जाएगी, रास्ता तो यही है। चलो अंदर को चलते हैं यहाँ से। अगला भाई सोच रहा है ये निकालेगा, मैं सोच रहा हूँ वो निकालेगा, पर निकाल वो भी नहीं रहा है और मैं भी नहीं। अरे सेम यार, नैनीताल का जैसा सीन दिख रहा है मुझे तो। वाह बड़ी मस्त गली है यार, ये रहा मार्केट बागेश्वर का। अरे गाड़ी कहाँ तक जाएगी दादा? गाड़ी यहीं तक जाएगी ना, यहीं तक जाएगी ना, यहाँ आगे लगा दूँ? चलो गाड़ी को यहीं पे पार करते हैं। गाड़ी को सामने पार कर दिया है और अभी यहाँ से आया था, तो रास्ता है बागनाथ को जाने के लिए यहाँ से। जय बागनाथ मंदिर। आइए दोस्तों, बागनाथ मंदिर के दर्शनों के साथ साथ थोड़ा बहुत मंदिर के बारे में भी जानते हैं। दोस्तों यह बागनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिला में स्थित है। दोस्तों यह प्राचीन शिव मंदिर है, यह उत्तर भारत में ना एकमात्र प्राचीन शिव मंदिर है जो कि दक्षिण मुखी है दोस्तों, जिसमें शिव शक्ति की जल हरी पूर्व दिशा को है। दोस्तों यहाँ शिव पार्वती एक साथ स्वयंभू रूप में जल हरि के मध्य विद्यमान हैं। दोस्तों यह बागेश्वर जिला का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और बागेश्वर जिले का नाम भी इसी मंदिर के नाम से पड़ा है। दोस्तों यह सरयू गोमती और सरस्वती अर्थात जो सरस्वती नदी अदृश्य है, नदियों के संगम पर बागेश्वर नगर में स्थित है। दोस्तों मार्केट में ही है, मार्केट से ज़्यादा दूर नहीं है। इस मंदिर की जो नक्काशी है ना वो अत्यंत प्रभावशाली है। दोस्तों एक चीज़ और बताऊँ, यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 1004 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। और हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार बाबा मार्कंडेय यहाँ शिव की पूजा किया करते थे, जिससे शिव जी एक बाघ के रूप में ऋषि मार्कंडेय को आशीर्वाद देने आए थे दोस्तों। लेकिन कुछ सूत्रों के अनुसार भवन चंद शासक लक्ष्मी चंद ने 1602 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो मंदिर में दर्शन करने और कराने के बाद अब चल रहे हैं दोनों नदियों के संगम तट पर। और ये रहा वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़, इसके नीचे कई लोग बैठे हुए हैं। और जहाँ पर दोनों नदियों का संगम है, यहाँ से आ रही है गोमती नदी और वहाँ से आ रही है सरयू नदी, यानी दोनों नदियों का संगम स्थल ये रहा। और यहीं पर यानी दोनों नदियों के संगम स्थल पर जो बागेश्वर में मेला लगता है ना, उत्तरायणी यानी कौतिक म्याव लागरोगनी बागेश्वर में, तो सेम वो मेला भी यहीं पर लगता है। उन दिनों क्या है कि यहाँ पर थोड़ा जल स्तर कम होता है, पानी का स्तर बहुत कम होता है, तो साइड साइड में जो है दुकानें लगी रहती हैं, ऐसा मुझे बताया अभी। और ये देखो पूरा जल स्तर कितना मस्त, और सामने मछुआरे भी दिख रहे हैं फिर, और यहीं पर एक शमशान घाट भी है। अब मैं इस साइड आ गया हूँ और सामने चलते हैं फिर पुल पे। और उससे पहले आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर बागनाथ मंदिर का द्वार, और उसके जस्ट पास में ही है जय बाणेश्वर नाथ मंदिर यहाँ पर, और इसका द्वार रहा ये।
अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है बाबा जूना अखाड़ा। तो आज शाम का जो है यहीं पर विश्राम रहेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखने और दिखाने के लिए बहुत कुछ है यार। अभी मैं आ गया हूँ पुल में, जहाँ से पूरा सरयू और गोमती का व्यू भी दिख रहा है और साथ में भगवान भोलेनाथ की बड़ी सी प्रतिमा भी दिखती है। ये देखिए आप, जय भोलेनाथ की। क्यों ना कल वाले ब्लॉग में ज्यादा कवर करेंगे फिर आसपास की चीजें जो मेन मेन है कुछ व्यू के साथ। अब मैं जा रहा हूँ बाइक से सामान लेने के लिए, यानी बैग ले आता हूँ यार। सौभाग्य से ना आज शाम को यहाँ रुकूंगा तो सुबह और दर्शन करने को मिलेंगे और सुबह तो स्नान भी करेंगे बढ़िया तरीके से, तो मजा आएगा। चलो पहले सामान ले आते हैं। गाड़ी यहाँ पे हो चुकी है पार्क और बैग ले चलते हैं। बैग रख दिया यहाँ पर और कुल लगा कर ये रूम मिल गया यहाँ पे विश्राम करने के लिए। और अभी हो गई है शाम, बागेश्वर दर्शन दोस्तों ज्यादा कराएंगे कल। आई होप गाइस आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। यदि ब्लॉग पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए दिन की शुरुआत के साथ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।